आज इस वीडियो में आप देखेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पीपीआई क्वेश्चंस, जो इस साल एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो जो मैंने गेस करके पिछले साल से और अपने से भी क्वेश्चन इसमें सेट कर दिया है। ये चैप्टर 11 है जो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक, इसके बारे में आप जानते भी हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे, और अन्य चैप्टर्स के भी पीडीएफ दिए गए हैं, लेकिन प्लेलिस्ट में आपको जाना हो, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, उसमें जाइएगा, उसमें वीडियो के प्रत्येक वीडियो में सबका पीडीएफ दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, क्योंकि एल्कोहल है तो एल्कोहल से ही संबंधित ये भी क्वेश्चन। एल्किल हैलाइड माने एल्किल रहेगा आर, हैलाइड यानी एक्स रहेगा, उसको एल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाएगा? सीधा हमको सीएल हटा के, हैलाइड हटा के ऑल लगाना है, मतलब कोई ऐसे लगाना है, तो हटाना मतलब विस्थापन, तो विस्थापन अभिक्रिया, या इस तरह भी आप देखना चाहेंगे आर बाउंड एक्स की अभिक्रिया में विस्थापन कराएंगे के ओ एस से, ठीक, जलीय के ओ एस से, तो एक्स हट जाएगा और ये बन जाएगा आर ओ एच, ठीक, लेकिन ये जलीय रहेगा, ध्यान रहे ये अल्कोहलिक नहीं है, जलीय है, अल्कोहलिक होगा तो कुछ और बनेगा, मतलब अगर आप आर बाउंड एक्स अल्कोहलिक के ओ एच ले लेते हैं अल्कोहलिक, तो वो सी एच डबल बाउंड बन जाएगा, सी एच टू डबल बाउंड सी एच टू, इसमें भी उसी के हिसाब से कार्बन रहेंगे और ये बाहर हो जाएगा, सब ध्यान रहे, ठीक। आगे देखते हैं, सांद्र एच टू एस ओ फोर से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटेन देता है, मतलब जैसे किस अल्कोहल का H2SO4 से निर्जलीकरण कराएंगे तो 2-ब्यूटेन बनेगा, 2-ब्यूटेन, ध्यान दीजिए अल्कोहल है और ब्यूटीन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक, निर्जलीकरण मतलब जल को ख़त्म करना है इसमें से, OH ख़त्म कर देना है, तो यहाँ पे ब्यूटीन आया है तो अल्कोहल में ब्यूटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कम ही कार्बन है इसमें, इनमें कम कार्बन है, या ये प्रोपीन भी है तो ये समूह हो गया, साइड समूह, इसमें वन ऑल नहीं लेंगे, टू ऑल लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू ब्यूटीन, दूसरे कार्बन पे हमें टू एच ओ एच को हमें दूसरे पे लाना है, तो यहाँ पे टू ऑल लेंगे, ठीक। इसके बारे में नोट्स तो मैंने ही डाला इसका यूट्यूब पे चैनल पे, लेकिन अगर इसका नोट्स जैसे ही बनेगा कंप्लीट होगा मैं डाल दूंगा, अभी थोड़ा सा और कंप्लीट करने में बाकी रह गया है, अभी आप नोट्स का टेंशन मत लीजिए, आप परीक्षा आपका है तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर तब दूसरे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कीजिएगा। एल्केन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, तो एल्केन जब भी अभिक्रिया देता है तो योगात्मक देता है, क्योंकि एल्केन है प्रतिस्थापन, एल्केन नहीं देता, एल्कीन होना चाहिए था, यहाँ पे एल्कीन कर लीजिएगा, एल्कीन में योगात्मक अभिक्रिया होता है, मतलब इसमें सी एस टू डबल बाउंड सी एस टू होता है, सी एस टू डबल बाउंड सी एस टू, इसकी अभिक्रिया सी एल टू से कराएंगे तो योगात्मक अभिक्रिया देगा, यानी यहाँ पे सी एल आके जुड़ जाएगा, सी एस टू सी एल बाउंड सी एस टू सी एल, माने योगात्मक, सभी दोनों जाके जुड़ गए, ठीक, ये सिंगल हो गया, तो इस तरह की अभिक्रिया को योगात्मक कहते हैं। एल्किन तो प्रतिस्थापन देगा, अगर एल्किन कह रहा है तब तो समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन है। अगला क्वेश्चन है, ग्रिगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में एमजी डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? ग्रिगनार्ड, ध्यान से देखिए, ग्रिगनार्ड का मतलब होता है एम, इसमें एमजी रहेगा, शुरू में एल्किल समूह रहेगा, इसके बाद कोई हैलोजन रहेगा, आर एमजी एक्स, तो किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं इसको बनाने के लिए? तो कोई एल्किल हैलाइड ही लेंगे, क्योंकि बीच में एल्किल है, एम जी रहेगा, शुरू में एल्किल, लास्ट में हैलाइड रहेगा, तो ये हैलाइड वाला लेगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करें, ज्ञात करते हैं किसके द्वारा करते हैं? टॉक्सीकरण, ल्यूकोस अभिकर्मक और विक्टर मेयर परीक्षण, तीनों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, इथाइल एसीटेट और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाएंगे? 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, कैसे? तो ये तो भाई समीकरण आप देखना पड़ेगा आपको, इथाइल एसीटेट
एसिड पहले इसको लिखा जाता तब इसको, एसिड का मतलब होता है CH3, एसीटेट है यानी COO। इधर एथाइल है, एथाइल का मतलब C2H5। इसकी अभिक्रिया CH3MgBr से कराते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। ये CH3 है इधर से, इधर से ये C है, ये भी CH3 आके इधर से जुड़ जाएगा ये वाला, और ये बचा इधर से C2H5, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आके जाए। हाइड्रोजन मान लीजिए ये दोनों ऑक्सीजन और ये Br, HBr, मतलब कि ये 3 डिग्री बना ना एल्कोहल, एल्कोहल अच्छा गलत काम कर दी, यहाँ पे OH भी एल्कोहल भी बनाना है ना 3 डिग्री एल्कोहल, तो यहाँ पे OH आके जुड़ेगा। क्वेश्चन है कि इथाइल एसीटेट और MgBr प्रतिक्रिया कर बनाते हैं, और चीज इसमें छूट रहा है जैसे मान लीजिए कुछ और भी जल उल होगा, जैसे OH इसमें आ गया, एक चीज यहाँ से छूट रहा है मेरे को लगता है कि ये डबल रहेगा, डबल तो नहीं होना चाहिए जी, MgOHX होता है यहाँ पे, शायद इसमें मेरे ख्याल से जल भी रहेगा H2O। खैर उतना लेन देन नहीं, आपको आप जाके रिएक्शन देख लीजिएगा किताब में 3 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप क्या है? कार्बोनिल उसी को कहते हैं जिसमें सी ऑक्सीजन जुड़ा हो, इसी को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड में भी होता है CHO, कीटोन में भी होता है CO, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी होता है CO, इसी को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इसमें ये सिग्मा होता है, ये सिग्मा ये पाई होता है, तो पाई को नहीं लिया जाता, जितने सिग्मा वही संकरण बनाते हैं, 3 सिग्मा है तो 3 का मतलब sp2 संकरण, ठीक डी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RoHCH2NHN2 गैस, अच्छा यहाँ पे ऊपर गैस है इस तीर के ऊपर, इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह क्या होगा, तो कौन सा समूह इसमें निकलेगा, तो R समूह निकलेगा, R समूह निकल जाएगा और CH2OH यहाँ से जुड़ जाएगा, CH2OH ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, यहाँ पे देखिएगा नाइट्रो समूह जब पैरा स्थिति पर रहता है, फिनॉल सबसे कम होता है, ये भी ये तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जब नाइट्रो समूह आ जाता है तो और अम्लीयता बढ़ जाती है, ऑर्थो से ज़्यादा अम्लीय होता है पैरा वाला स्थिति, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है या क्रियाशील समूह भी इसे कहा जाता है, वो ये किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये एल्डिहाइड का, ये कीटोन का, ये क्या है इसका नाम, फिनॉल नाम है बस, फिनॉल। अगला क्वेश्चन इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, तो एक कार्बन ये है, दो कार्बन होता है एथ, इसके लिए ओइक अम्ल लगता है, एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एल्कोहल बनने में एल्केन को हमको एल्कोहल में बदलना है, तो हाइड्रोजन इसमें का हटाएंगे, ओ एच जोड़ेंगे, तो उसके एक हाइड्रोजन को, इसी के एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस समूह द्वारा हटाना है, ओ एच समूह द्वारा हटाएंगे, ओ एच ही हटा देगा हाइड्रोक्सिल समूह, ओ एच इसी को कहा जाता है। अगला 14 प्रोपेन टूऑल का संरचना सूत्र क्या होगा, तो प्रोपेन मैंने 3 कार्बन 1, 2, 3 और टूऑल मैंने 2 पर ओ एच रहेगा, तो दूसरे पर ओ एच लगा दिया। आगे देखते हैं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होगा, कीटोन तो इसमें नहीं आना चाहिए था लेकिन गलती से आ गया, इसका कीटोन का CO पहचान होता है, ठीक अभी तो इस चैप्टर का नाम एल्कोहल फिनॉल इथर है, कीटोन बाद वाले चैप्टर के लिए, फिर भी इसमें डाल दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है, एथेनॉल है गंधक अम्ल H2SO4, 170 पर गर्म करके क्या बनेगा, इथेन बनेगा, एथेनॉल को गर्म करेंगे तो OH निकलेगा, ठीक 170 पे गंधक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, तो फिर से आ जाएगा इथेन, इथेन आएगा, मान लीजिए एथेनॉल का होता है C2H5OH,
इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे तो ये OH निकल जाएगा और CH2H6 बनेगा। एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा इसमें से, एक हाइड्रोजन इस OH के साथ जल बना के बाहर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन 13 अध्याय का है, लेकिन इसमें गलती से आ गया तो कोई बात नहीं, इसको भी लिख लीजिए। एनिलीन कैसा होता है, ये इसमें लगा रहता है NH3, इसी को एनिलीन कहते हैं। पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, 1, 2, 3, यही पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में तीन हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मिथॉक्सी मेथेन का सूत्र है। मिथॉक्सी माने CH, मिथ माने एक कार्बन, मेथ माने भी एक कार्बन, ऑक्सी माने बीच में ऑक्सीजन रहेगा, मिथॉक्सी मेथेन। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल को सैलिसिलिक एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। फिनॉल है और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का मतलब होता है, मान लीजिए ये फिनॉल है OH, इसको सैलिसिलिक का मतलब है इधर भी OH रहेगा, इधर C डबल एल्डिहाइड ना CHO रहेगा, सैलिसिलिक का मतलब बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। टार्ड की कुल बेक्राइम अंतराइम अभिक्रिया, तो अभिक्रिया आपको याद रखना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, अभिक्रिया इतना और इतना मिलके क्या बनाएंगे। ठीक, तो 2 ये बेंजीन ये हेलो बेंजीन है समझ लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन होगा, सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो ये डबल बेंजीन हो जाएगा और NaX बाहर हो जाएगा, सोडियम X बाहर हो जाएंगे। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है, जहाँ भी ये दिखाई दे समझ लीजिए फिटिंग अभिक्रिया। ये भी देख लीजिएगा वोल्टेज वाला भी अलग से क्या होता है। SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, SN1 में कार्बोधन बनता है, SN2 में संक्रमण अवस्था बनता है। बी, इथॉक्सी एथेन है तो इथ माने 2 कार्बन, इथेन माने भी 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला, अब इसमें ऑक्सी ऑक्सीजन सी। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया इतना का उत्पाद क्या होगा। देखो यहाँ पे जब KO या अल्कोहलिक हो जाए तो हमेशा ये बनेगा डबल बॉन्ड वाला, जलीय होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, यही ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, मोनोहाइड्रिक मतलब एगो ओएच यानी एक OH वाला अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा। बस CnH2n+OH, इसी को मोनोहाइड्रिक कहा जाता है, जिसमें एक OH आता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय। पहला क्वेश्चन है, फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है क्यों। फिनॉल माने बेंजीन के ऊपर जो OH लगा रहता है, अल्कोहल माने ROH, तो ये इससे ज़्यादा अम्लीय क्यों है ये बताना है। कारण है कि उत्तर है कि फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन, मैंने फिनॉल में से जब OH हट जाएगा तो O बचेगा, जब O बचेगा तो उसी को फिनॉक्साइड आयन कहा जाता है। अनुनाद के कारण अल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन से अधिक अस्थायी होता है। अल्कोहल में भी H होता है, वो H हट जाएगा, O बचेगा केवल, तो उसको एल्कोक्साइड कहा जाएगा। जब इसमें OH O बचेगा फिनॉल में, तो उसको फिनॉक्साइड कहा जाएगा। तो इस वाले आयन से ये वाला आयन ज़्यादा अधिक अस्थायी होता है, इसीलिए फिनॉल के अम्लीय शक्ति अल्कोहल से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अस्थायी है तो ये अम्लीय शक्ति हमेशा इसका अस्थायी बना रहेगा, इसका अस्थायी नहीं बना रहेगा, ख़त्म हो जाएगा अम्लीय शक्ति। जैसे इधर दिखाता हूँ आपको, ये OH है, H इसका जलीय विलयन में H गया, ये फिनॉक्साइड हो गया, H+ बाहर निकल गया, ROH में RO- H बाहर गया, तो ये वाला कम अस्थायी है, ये वाला ज़्यादा अस्थायी है। बस आगे देखते हैं, अल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। अल्कोहल माने ROH, जलीय विलयन पानी में डालेंगे तो ये विद्युत का चालन नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि बस एक ही कारण है, सहसंयोजक बंधन, यानी अल्कोहल में सहसंयोजक बंधन होता है जो जल में आयनित नहीं होते, क्योंकि सहसंयोजक बंधन जल में नहीं टूटते, आयनिक केवल टूटते हैं पानी में, इसके बंधन ध्रुवीय प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, ध्रुवीय प्रभाव से पानी के,
इस कारण एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल और फिनॉल में अंतर बताना है या स्पष्ट करना है। इधर एल्कोहल लेंगे, इधर फिनॉल ले लेंगे। पहला लिखेंगे कि एल्कोहल लिटमस विलयन का एल्कोहल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह अम्ल है नहीं, अपना एच प्लस नहीं छोड़ता, इसी कारण से एल्कोहल का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिनॉल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि अम्ल है, अम्ल हमेशा नीले को लाल कर देता है। यह अम्लीय नहीं है, क्योंकि इसका एच प्लस नहीं टूटता ज़्यादा, अस्थायी नहीं होता। एल्कोहल NaOH की जलीय विलयन के साथ, इसको आगे देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए। फिनॉल NaOH के जलीय विलयन के साथ, दोनों NaOH के जलीय विलयन के साथ क्या देते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो ये NaOH के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम लोहा हो गया। अगला क्वेश्चन, बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय होता है, क्यों? मतलब कि एल्कोहल का ROH होता है, ROH का जितना अणु भार होगा उतना ही अणु भार वाला दूसरा हाइड्रोकार्बन, कीटोन वाला, एल्डिहाइड वाला, उन दोनों का आणविक भार तो बराबर, लेकिन जल में अधिक विलेय होता है ये वाला एल्कोहल, क्यों होता है? हाइड्रोकार्बन, अन्य हाइड्रोकार्बन जो इसी के बराबर भार वाले हैं कम होते हैं, ये ज़्यादा होता है, क्यों? कारण देखेंगे। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह OH वाला हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, याद है, आपको पता होगा हाइड्रोजन बंध किनके किनके बीच बनता है, FNO। अगर तीन तत्व हाइड्रोजन से जुड़ जाए, जैसे ऑक्सीजन जुड़ जाए, या हाइड्रोजन से कोई फ्लोरीन जुड़ जाए, या हाइड्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ जाए, तो समझ लीजिएगा इनके बीच कौन सा बंधन, हाइड्रोजन बंधन, या ये पानी में घुल जाता है, हाइड्रोजन बंधन वाला। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बढ़ने पर इसकी घुलनशीलता घटती जाती है। हाइड्रोजन बंध में यही कारण है मेन, कि हाइड्रोजन बंध, यही सारा आंसर इसी पट्टी का है, बाकी तो बना के लिखना है। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, इसीलिए यह अधिक, इसलिए लिख देना चाहिए था, इसलिए यह बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा जल में अधिक विलेय होता है, ये लिख दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें कुछ उल्टा उल्टा ही लिख दिया, उल्टा नहीं, कुछ अलग लिख दिया। एल्कोहल में हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बढ़ने पर इसकी घुलनशीलता घटती जाती है, मतलब ज़्यादा एल्कोहल बड़ा होगा, R CH2 से C3H5 हो जाएगा, कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो कम घुलेगा। तो ये वाला लाइन ना लिख के वो वाला लाइन लिख लीजिएगा, इसीलिए, इस कारण, चाहे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने लिख दिया वो लाइन काट के, कि इस कारण बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय होता है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, 2-methyl propanol का संरचना सूत्र क्या होगा। तो प्रोपेनॉल पहले इसका लिखिए, प्रोप माने तीन कार्बन, 1, 2, 3, ऑल माने OH, 2 पर मेथिल लगा दीजिए, यानी 1, 2 लगा दिए, इसी को मिथाइल कर दे, हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल का उपयोग बताना है, तो एजिन या बेकलाइट बनाने में, रेजिन बोल रहा हूँ। फिर दूसरा पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, तीसरा फिनोक्टलिन और एजोरेंजक के निर्माण में, एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल आदि औषधियों के निर्माण में। देखिए इन सब का थोड़ा सा सूत्र जटिल होता है, इसलिए सबको याद ही कर लीजिए सूत्र के, इनका सूत्र क्या, हाँ इसका सूत्र आसान है, बेकलाइट का भी, तो ये सब पढ़ा चुका हूँ, 14-15 अध्याय में इन सबका सूत्र आपको मिल जाएगा, उनका फेयर भी नोट्स भी दिया गया है, आप जाके वीडियो में चैनल पर देख सकते हैं, चैनल पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर, मतलब ईथर ओ के दोनों तरफ डाई एथिल है, दो गो एथिल है, सोडियम के साथ या सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? सोडियम धातु से नहीं करता, क्यों? आंसर बता रहा है कि डाई एथिल ईथर में न तो कोई आयनिक क्रियाशील समूह होता है, मतलब ईथर दोनों तरफ एथिल से ही जुड़ा है, उसमें कोई क्रियाशील समूह नहीं है, यही खुद है, तो ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है, और न ही अम्लीय प्रोटॉन प्रदान करता है, अम्लीय प्रोटॉन होता है इसमें, कोई प्रोटॉन भी नहीं होता,
अम्लीय, अम्लीय मतलब एच प्लस, इसमें कोई एच प्लस त्यागने लायक भी नहीं होता है। एथिल भले ही जुड़े इसके हाइड्रोजन, लेकिन त्यागने लायक नहीं होते, उसी को प्रोटॉन कहा जाता है। डाई एथिल ईथर एक निष्क्रिय यौगिक है, मतलब कोई इसमें सक्रिय चीज नहीं है, कोई सक्रिय नहीं है इसलिए निष्क्रिय है, इसलिए यह सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अगला क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर बताना है, मतलब कि ये मेथिल का मतलब CH3OH और ये C2H5OH में अंतर बताना है दोनों में। आंसर है कि इसका रासायनिक सूत्र ये होता है, इसका ये होता है, यह हाइड्रोफॉर्म जांच देता है, ये नहीं देता है, नहीं ये नहीं देता, ये देता है। तो एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि हाइड्रोफॉर्म जांच देता है या हाइड्रोफॉर्म परीक्षण कौन देता है, तो आप इस पे ऑप्शन मारेंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो C2H5OH। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी माने CH3, एथेन माने C2H5 और ऑक्सी माने ऑक्सीजन, HI को गर्म करते हैं, इन दोनों को, इनको और HI, ये रहा, तो क्या होगा कि CH3I बनेगा, यानी ये वाला CH3I से जुड़ जाएगा, ये वाला H क्या करेगा जाके O से जुड़ जाएगा, हो गया। ये सब थोड़ा थोड़ा पैटर्न याद रखेंगे, काम हो जाएगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब प्रोपीन को, प्रोपीन माने डबल बॉन्ड, तीन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को सांद्र गंधक अम्ल यानी H2SO4 से प्रवाहित कर उत्पाद को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जब H2SO4 में इसको डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, CH3CH बनाएगा, यानी ये वाला हाइड्रोजन एक जगह यहाँ पे जुड़ गया, ये CH3 हो गया। अब बचा इसमें HSO4 वाला ऊपर चला गया, फिर जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, H2O में डालेंगे, देखिए क्या होगा, ये उड़ गया, पानी का एक एच इसमें आके प्रोपेनॉल है ना, तो यहाँ से एक OH आके जुड़ जाएगा, 2x2 प्रोपेनॉल बनेगा, मतलब इसमें का OH एक यहाँ पे आ गया, एक एच इसे इसके साथ जुड़ गया, काम खत्म, 2 प्रोपेनॉल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसको आयोडाइड कर लीजिए, डाइड ठीक, और मेथेनॉल यानी CH3OH, मैग्नीशियम मिथाइल आयोडाइड को गर्म करते हैं, दोनों को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये CH4 मेथेन बन जाएगा, और शेष CH3 था, तो ये CH3 था तो CH4 बन गया, ये ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ गया, ये वाला ऑक्सीजन, तो MgOI होता है, MgO यहाँ पे O रहना चाहिए, इसको मैं सुधार के लिख देता हूँ, तो सुधार दिया, बस यही ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब फिनॉल के भाष्मिक घोल को CO2 के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं, उत्पाद को अम्लीय जल के साथ गर्म करते हैं, पहले CO2 के साथ तब अम्लीय जल के साथ, तो CO2 और भाष्मिक माने कोई भाष्म ले ले, छार ले ले, NaOH घोल, फिनॉल है, तो ये देखिए क्या बन रहा है, C OO, इसी तरह C भी आ गया और डबल ओ भी इसका आ गया, इसमें का H और ये OH मिल गया, H2O बना के बाहर निकल गया, सोडियम भी आके यहाँ पे जुड़ गया, मान लीजिए H2 यहाँ से बाहर निकल गया, अब ये फिर आगे अभिक्रिया हुआ इसका जल के साथ, जल के साथ अभी नहीं कराना है, फिर ये आगे टूटा गर्म करने पर COO बाहर निकल गया, नहीं COO यहाँ पे आके जुड़ गया, और H भी यहाँ से आ गया, H कहाँ से आया, वही पानी से आया, H2O से, ये तो अम्ल है, H+ ये वाला अम्ल है, फिर अब क्या होगा कि अम्लीय स्थिति में इसको गर्म करेंगे या अम्ल में डालेंगे तो ये OH आके जुड़ जाएगा, इसमें जो O है, Na बह गया, कोई अम्ल से Na कोई Cl, HCl मान लीजिए, HCl से कराएं तो HCl से Cl के साथ सोडियम गया और H आके इसमें जुड़ गया, बन गया हमारा काम खत्म, सैलिसिलिक अम्ल इसी को कहते हैं। आगे देखते, अगला क्वेश्चन है फिनॉल के प्रकृति अम्लीय होती है क्यों, फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, आंसर वही कि संरचना बंद होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनुनाद उत्पन्न करते हैं, मतलब डबल बॉन्ड कहीं भी जा सकता है, इस कारण से फिनॉल की अम्लीय प्रकृति होती है।
अगला, इथाइल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, हमें एथिलीन लाना है यानी डबल बॉन्ड वाला, तो क्या करेंगे KOH अल्कोहलिक ले लेंगे, हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों को उसके बढ़ते हुए क्रम अम्लीय शक्ति के क्रम में लिखना है, इन सब में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? जिसमें ज़्यादा क्लोरीन होगा, जिसमें ज़्यादा क्लोरीन समूह होता है वो प्लस आई प्रभाव इस पर बढ़ा देता है तो एच आसानी से निकल जाता है। इसका कम होगा क्योंकि इसमें Cl कम है, ये वाला। इन दोनों में H ये वाला ज़्यादा है क्योंकि इसका H प्लस आसानी से त्याग छूट जाएगा, लेकिन इसका H प्लस आसानी से नहीं है, सबसे दुर्बल अम्ल है इन सबसे भी, ये सब दुर्बल अम्ल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले।